दोस्तों, इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं एडविक्ट्री एडेक्स को। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, एडेक्स का सिंपल सा एक वेबसाइट है। सो यहां पे आपको डायरेक्टली आना है एंड इस पे ज्वाइन करने के लिए आपको क्या कुछ रिक्वायरमेंट है आप बात कर लेते हैं। सो इस एड नेटवर्क पे ज्वाइन करने के लिए आपका जो रिक्वायरमेंट, देखो यहां पे क्लियरली मेंशन है लाइक प्रॉपर एंड क्वालिटी कंटेंट। सो आपका कंटेंट क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। ऑब्वियसली आपका कंटेंट कोई भी इलीगल एंड एडल्ट कंटेंट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता है। एंड सो अप्रूवल के लिए जो एलिजिबिलिटी है, योर साइट मस्ट बी 3 मंथ ओल्ड, 3 मंथ का आपका ओल्ड डोमेन होना चाहिए एंड मस्ट हैव मिनिमम 100K पेज व्यू पर मंथ। सो 100K अगर पेज व्यू रहेगा तभी यहाँ से आपको अप्रूवल मिलेगा। अगर आपके पास कोई ऐप्स है तो उसको भी अप्रूवल यहां से ले सकते हो। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम 10K इंस्टॉल ऑन गूगल प्ले स्टोर। 10K गूगल प्ले स्टोर पे अगर इंस्टॉल्ड है आपका ऐप का तो इसमें अप्रूवल मिल जाएगा। सो फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है, नंबर 1 क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। नंबर 2 जो रिक्वायरमेंट वो है 1000K पेज व्यू। कोई भी इलीगल एंड एडल्ट कंटेंट यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता है। करते हैं मुझे कितना यहाँ से CPM रेट्स वगैरह मिलता है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ, एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हो, जो एवरेज CPM अभी मुझे मिल रहा है 0.19 एंड यहाँ पे $19 यहाँ पे रेवेन्यू सितंबर मंथ में बना है मेरा ओवरऑल रिपोर्ट। सो यहाँ पे रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे दिखेगा। सो जैसे कि आप देख सकते हो, सितंबर में यहाँ पे रिपोर्ट देख सकते हो, टोटल जो इम्प्रेशन आया है 1 लाख के तकरीबन इम्प्रेशन आया है। यहाँ पे ECPM जो रेट मुझे मिला है 0.19 एंड जो अर्निंग हुआ है $19.84। एंड आप देख सकते हो इसमें ECPM जो है वेरी कर रहा है, 0.14 से ले 0.25 तक ECPM मुझे यहाँ पे मिला है। तो ECPM रेट वेरी कर सकता है साइट टू साइट। 3 सितंबर जो इम्प्रेशन यहाँ पे ऐड नहीं हुआ था, ECPM भी ऐड नहीं हुआ, यहाँ पे अर्निंग भी नहीं हुआ, क्योंकि इस दिन मेरा ट्रैफिक डाउन था एंड इसमें इसलिए यहाँ पे अर्निंग ऐड नहीं हुआ। तो मुझे पहले नहीं पता था, अब यहाँ पे जब मैं पूछा इसके टीम से तो यहाँ से रिप्लाई जो आया है मुझे आपको बता देते हैं कि इसलिए ये मतलब ये जो 3 सितंबर इसमें किस लिए अर्निंग ऐड नहीं हुआ। सो अर्निंग ऐड $0.5 से कम अर्निंग होता है तो वो यहाँ पे अर्निंग ऐड नहीं करता है। सो रेगुलर अर्निंग आपका ऐड नहीं होगा। सो यहाँ से हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसके साइड में क्लियरली मेंशन है, यू विल गेट योर अर्निंग रिपोर्ट ऑन योर डैशबोर्ड आफ्टर योर साइट स्टार्ट अर्निंग। नोट, इफ यू कैन नॉट मेक एट लीस्ट 0.5 डेली, यू वुड नॉट गेट डेली रिपोर्ट। टू स्टार्ट गेटिंग रिपोर्ट वंस अगेन यू नीड टू इंक्रीज ट्राफिक। सो सच में अच्छा नहीं लगा, फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। $0.5 तो बन ही जाता है साइट का लगा है। एंड बाकी और बात कर लेते हैं एड्स फॉर्मेट के बारे में। एड्स फॉर्मेट काफ़ी इसका अच्छा है एंड मुझे इसका एड परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा लगा है एंड क्वालिटी ऑफ एड्स ये दिखाता है, क्योंकि गूगल्स का ही एड है तो इसमें क्वालिटी में कोई भी। सो ओवरऑल जो ECPM यहाँ पे मुझे मिल रहा है 0.19, आपको अलग मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन योर कंटेंट। एंड अगर आपके साइट पे अगर आप एड्स विक्ट्री यूज़ कर रहे हो तो आपको कितना ECPM रेट मिल रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अब बात करते हैं पेमेंट के बारे में।
सो यहाँ पे जो मिनिमम पे आउट रेट है वो $50 है। अगर आपके अकाउंट पे $50 हो जाता है तो उसको उसका पेमेंट मिल जाता है नेक्स्ट मंथ में, मतलब नेट 30 डे बेसिस ही यहाँ पे चलता है। एक बार यहाँ पे दिखा देते हैं आवर पेमेंट टर्म्स। सो यहाँ पे देख सकते हो यू विल गेट पेमेंट एट नेट 30 to 40 days फॉर बोथ ऐप एंड वेबसाइट। सो नेट 30 to 40 days बेसिस पे ये पेमेंट करता है। हाउ यू विल गेट पेमेंट, सो यहाँ पे देख सकते हो यू विल गेट योर पेमेंट वाया UPI, बैंक ट्रांसफर, पेपल etc। जैसे कि यहाँ पे मैं पेमेंट सेक्शन ओपन कर लिया और यहाँ पे देख सकते हो मेरा टोटल $29 बन चुका है एंड यहाँ पे $50 होगा तभी मुझे पेमेंट मिलेगा। यहाँ पे जो मेथड मैं सिलेक्ट करके रखा वो UPI मेथड सिलेक्ट करके रखा। सो आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे जाके आप मेथड को चूज कर सकते हो। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएगा, पेपल, बैंक ट्रांसफ़र, वेट ट्रांसफ़र एंड कस्टम। कस्टम में जाके मैं UPI यहाँ पे चूज करके रखा और आप पेपल से भी पेमेंट उठा सकते हो जिसमें मिनिमम पे आउट रेट है वो $50 है। बैंक ट्रांसफ़र इंडिया का है तो $50 है, वेट ट्रांसफ़र लेना है तो $100 है एंड कस्टम जो प्रोसेस है UPI इंडिया से है तो आपको $50 में यहाँ पे पेमेंट मिल जाता है। सो नेट 30 to 40 days बेसिस पे यहाँ पे पेमेंट होता है एंड UPI पेमेंट भी आप, जो कि मुझे इस एडेक्स का अच्छा लगा है। अब इसके बाद जो ऑप्शंस है, कैन यू यूज एडेक्स विद गूगल एडसेंस। सो इसमें क्लियरली मेंशन है कि आप गूगल एडसेंस के साथ भी इसको यूज कर सकते हो। मेक श्योर टू यूज मिनिमम 30% ऑफ आवर एड नेटवर्क। सो गूगल एडसेंस के साथ यूज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। मुझे ये जो एड नेटवर्क है काफी ठीक लगा है। आप देखते हैं पेमेंट के टाइम पे हर एक एड नेटवर्क का दिक्कत आता है, इसका कैसे पेमेंट प्रोसेस रहता है, पेमेंट उठाने के टाइम पे क्या कुछ कटिंग होता है, सब कुछ मैं डिटेल में आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। सो उसके लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।